देखिए बच्चों, कक्षा 9 मैथ पढ़ेंगे आज हम। एक्सरसाइज जो थी आपकी 6C जो थी समाप्त हो गई थी। इसमें एक क्वेश्चन बताया था, 20 नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप लोग लगाइए। अगर उसमें कोई समस्या आ रही है तो बताओ, बता दिया जाएगा। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हो क्या होता है त्रिभुज, इस बार भी हम बता रहे हैं, थोड़ा बहुत बता देंगे त्रिभुज क्या होता है। और एक चीज़ है कि वीडियो जो है अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। देखिए क्लास हमारा है 9th, मैथ। देखिए पढ़ना है हमको त्रिभुज, क्या पढ़ना है त्रिभुज। आज हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में बेसिक चीज़ें कुछ हम समझ लेंगे, जान लेंगे। इसको ट्रायंगल भी कहते हैं। देखिए त्रिभुज होता क्या है। अच्छा, इसको नाम से ही इसमें पता चल रहा है, त्रिभुज। त्रि का मतलब हो गया है तीन, त्रि का मतलब तीन, और भुज का जो मतलब हो गया तुम्हारी भुजाएं। तो अगर ऐसे कहोगे कि इसमें एक ऐसा बहुभुज होता है जिसमें तीन भुजाएं हो, कितनी भुजाएं, तीन। लेकिन तीन भुजाओं में भी एक कंडीशन है होने में। अगर मान लीजिए एक ये भुजा हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ए बी सी और डी, तीन भुजाएं इसमें भी है भाई। ए बी हो गई एक, बी सी हो गई, सी डी हो गई, तो क्या ये त्रिभुज है? क्या ये त्रिभुज है? क्योंकि अगर ऐसे इसमें देखोगे तीन भुजाएं हो गई उसको हम त्रिभुज कह देंगे, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। ऐसे हमने तीन भुजाएं खींच ली, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पर तीन भुजाएं हो गई तो क्या त्रिभुज हो गया? ये क्या त्रिभुज है? नहीं है। उसमें भी एक कंडीशन होती है। क्या होती है कि त्रिभुज में जो तीन भुजाएं हो, यानी ऐसी कोई आकृत जो तीन भुजाओं से घिरी हो, यानी बंद हो आकृत हो, तो वो हमारा क्या होता है? त्रिभुज होगा। यानी बंद होगी आकृत, उसी को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही मत जाना, इसके नाम पर ही मत जाना कि तीन भुजाएं होंगे तो उसको हमने त्रिभुज कह दिया। वो हम पहले बता भी चुके हैं, उसमें भी एक कंडीशन कि घिरी हुई आकृत हो, बंद आकृत हो, उसको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अब तीन भुजाएं इसमें होती हैं, ये तो सभी को पता है। कौन कौन हो गए? ए बी, बी सी, ए सी, सी ए। समझ आ रहा है? ये तो सभी लोग पढ़े लेते हो भुजाओं को। तीन कोण हो गए, कौन से कोण हो गया? एक ये ए बी सी, यानी ए बी सी हो गया। अब अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर इस कोण को हमको पढ़ना है, लिखना है, तो हम कैसे लिखते हैं? इसको हम बीच में लिखेंगे, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो। अगर ए को हमको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? बी ए सी, कोण बी ए सी। अगर इसको पढ़ना है तो कोण ए बी सी, अगर इसको पढ़ना है तो ए सी बी। समझ आ गया? ये तो पहले बता चुके। तो तीन भुजाएं हो गए, तीन कोण हो गए, और ये जो होते हैं इनको शीर्ष कहते हैं। ये तीन शीर्ष हो गए हमारे ए बी सी। समझ में आ गया? समझ रहे हो कि नहीं? और त्रिभुज के जो तीनों अंता कोण होते हैं, अंता हम अंदर ही तो बन नहीं है, अंता का मतलब क्या होगा? अंदर। अंता बाह्य, ये चीज़ समझते हो ना? अंता का मतलब अंदर और बाह्य का मतलब क्या हो गया? बाहर। समझे? तो ये तीन कोण जो बन रहे हैं, अंता कोणों का जो योगफल होता है वो हमारा 180 अंश होता है। यानी ये दो समकोण कह सकते हो, उसको क्या कह सकते हो? दो समकोण। यानी एक समकोण जो होता है 90 अंश के बराबर, और 180 अंश यानी दो समकोण होता है, या 180 अंश होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 अंश। ये चीज़ सभी को पता है। इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, कोण ऐसे भी लिख सकते हैं। इस वाले कोण को लिखेंगे बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए, बी सी ए बराबर कितना हो गया? 180 अंश। ये भी पता है ना सभी को? ये चीज़ पता है कि तीनों अंता कोणों का योग जो होता है हमारा 180
80 अंश होता है, समझ गए। अब इसमें क्या है कि अगर यहाँ पर हमारे दो कोण हमको पता है तो तीसरा कोण भी हम निकाल लेते हैं, जैसे भी जैसे कंडीशन से जैसे क्वेश्चन होते हैं उस टाइप से क्वेश्चन, दो कोण होंगे तब भी हम तीसरा कोण निकाल लेंगे। एक कोण दिया हो या दो भुजाएं बराबर आगे पढ़ेंगे प्रमेय पढ़ेंगे उसमें समझ जाओगे सभी लोग, फिर भी अभी तक तो इतने समझिए कि इन तीनों अंता कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है, समझ आ गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये चीज़ देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ये सभी बच्चे नोट भी करते जाएं, ये पहले लिखा भी चुके हैं फिर भी इसको आप एक बार लिखते जाएं। देखिए मुख्यतः रूप से अगर त्रिभुज जो हो गए हमारे सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं दो, कौन कौन हो गए बता सकता है कोई? एक होता है हमारे, एक त्रिभुज जो होता है हमारा भुजाओं के आधार पर होता है, किसके आधार पर होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, और एक जो होता है कोणों के आधार पर, किसके आधार पर कर लोगे तुम, कोणों के आधार पर त्रिभुज, समझा गया। ये चीज़ इसको लिखते जाओ, समझते भी जाओ, लाग बता भी चुके पहले बता भी चुके हैं, जानते भी सब लोग। अब देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं, भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन हो गए, एक हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज, हमारा एक हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, और एक तीसरा हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समझा गया। यानी एक जो हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक जो हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। देखो पहले जो त्रिभुज के डिफिनेशन बताई थी हमने, परिभाषा बताई थी, उसको आप सभी लोग लिखिए और इसको भी लिखते जाइए। इनकी जो डिफिनेशन है सेम बताएंगे, इसको बोल देंगे लिखेंगे नहीं, आप लोग उस पर लिखते जाइए। फिर देखिए कोण के आधार पर भी तीन होते हैं, कौन कौन हो गए हमारे, एक हो गया हमारा न्यून कोण त्रिभुज, क्या हो गया न्यून कोण त्रिभुज, एक हो गया सम कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, एक हो गया तुम्हारा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, यानी तीन कोण हो गए, समझ में आ गया इतना। यानी त्रिभुज जो होते हैं दो टाइप से होते हैं, भुजाओं के आधार पर ले लीजिए, कोण के आधार पर ले लीजिए, भुजाओं के आधार पर तीन होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, समझ आ गया। तो इसको लिखते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए। अब देखिए इसका, अब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे कि विषमबाहु होता क्या है। देखिए पहले इसके नाम से ही पता चल रहा है कि विषमबाहु क्या होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि विषमबाहु जो त्रिभुज है वो क्या है। देखिए विषम मतलब सब विषम हो, अब सब विषम का मतलब भुजाएं कितनी होती त्रिभुज में, तीन ही तो होंगी, भुजाएं भाई कितनी होंगी त्रिभुज में, त्रिभुज में जो भुजाएं होंगी हमारी तीन होंगी, तो यानी विषम हो, यानी तीनों भुजाएं क्या हो विषम हो, समान ना हो, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं जिसकी दो भुजाएं ही समान ना हो, दो भुजाओं से अगर समान ना हो तब भी हम बता सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज है। लेकिन अगर ऐसे कह दो कि जिसकी तीनों भुजाएं समान ना असमान हो उसको हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ठीक, ए बी सी, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये मान लो हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया, तो इनके जो माप है इनकी जो लंबाइयाँ हैं ये सभी जो हैं अलग अलग हैं। ये 3 सेंटीमीटर दी है मान लो, ये 5 सेंटीमीटर दी है, 7 सेंटीमीटर, तो ये बराबर नहीं है, इनकी लंबाइयाँ जो हैं इनकी माप जो है एक जैसी नहीं है, इसीलिए क्या कह सकते हैं इसको, विषमबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, समझा गया। उसको लिखते जाइए। इसके बाद में समबाहु, देखो सम, सम माने क्या होता है,
बराबर बाव माने भुजाएं, यानी सम बराबर हो, बाव माने भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन ही होती हैं। यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? तीनों भुजाएं क्या हो हमारी? बराबर हो, सम हो, समान हो, उनको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। कैसे? 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 3 सेंटीमीटर ये हो गया। तो ये जो हमारा त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया? हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। समझा गया? ऐसे ही हम इसमें समद्विबाहु में पढ़ेंगे। देखो, समद्विबाहु माने क्या होता है? सम माने बराबर, द्वि माने दो। समझा गया? और बाहु माने भुजाएं, त्रिभुज। यानी त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, कितनी भुजाएं? दो भुजाएं बराबर हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समझा गया? तो ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सभी बच्चे अपने लिख लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब इसके बाद में कोण के आधार पर पढ़ लीजिए। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण, जिस त्रिभुज के सभी कोण, सभी का मतलब कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन। यानी तीनों कोण क्या होने चाहिए? न्यून कोण होने चाहिए। और न्यून कोण का मतलब, न्यून कोण जो होता है 0 अंश से जो होता है बड़ा होता है, और 90 अंश से क्या होता है? छोटा होता है। समझ आ गया? उसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। समझ आ गया? तो जो त्रिभुज में तीन कोण होंगे, क्या होंगे हमारे? तीन कोण होंगे। तो ये सभी जो कोण हो, न्यून कोण हो, यानी 90 से क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। यानी ये मान लो 60 हो गया, ये भी हमारा 60 हो गया, ये भी हमारा 60 अंश हो गया। तो ये तीनों त्रिभुज, ये जो त्रिभुज होगा वो हमारा क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। अब कोण के आधार पर है त्रिभुज, तो कोण को ही देखकर हम बता सकते हैं कौन सा त्रिभुज है। ये भुजाओं के आधार पर था, तो हम भुजाओं को देख कर बता सकते थे ये कौन सा त्रिभुज है। समझा गया? तो तीनों कोण जो होने चाहिए, जो हमारे न्यून कोण होने चाहिए, यानी तीनों कोण जो हो न्यून कोण हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समझा गया? समझ गए सभी लोग न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? इसके बाद में ये लिखते जाइए सभी। समकोण क्या होता है? अच्छा, इस पर विशेष ध्यान देना है समकोण, क्योंकि आगे बहुत ही काम आता है। समकोण का ही पूरा काम है आपके, आगे क्लास कक्षा 10 में पढ़ोगे। त्रिकोणमिति जो है पूरी समकोण पर ही रखिए, समकोण को अच्छे से पढ़िए। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, थ्योरम होती है, वो भी हमारी सब होती वो चलती है। तो आ गया, तो इसको देखिए। समकोण क्या होता है? इसका एक कोण क्या होगा? एक कोण जो होगा हमारा समकोण होगा। समकोण का मतलब हो गया 90 अंश। कितना होना चाहिए हमारा? 90 अंश होना चाहिए। समकोण, समकोण किसे कहते हो? जिसका कोण जो 90 अंश का होता है उसको हम समकोण कहते हैं। यानी अब समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? जिसका एक कोण जो हमारा कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये देख लीजिए, यानी एक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना कि एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, इसके आगे हम पढ़ेंगे अधिकोण त्रिभुज अभी पढ़ेंगे, तो उसमें सिर्फ एक ही कोण जो होगा या फिर समकोण हो सकता है या फिर अधिकोण हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण आप 90 अंश है, अगर दो कोण कह दिया जाए तो दो कोण कह दिया जाए कि दो कोण समकोण ये गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों अंता कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 अंश होता है। ये सभी को पता है, ये बता चुके हैं। अगर इसमें दो कोण समकोण कह दिया जाए तो दो ही कोण 180 अंश हो जाएगा, तीसरा तो बच ही जाएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए एक चीज़ याद रखना, नोट में लिख देना कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो या अधिक कोण त्रिभुज हो, उसमें सिर्फ एक ही कोण जो होगा वो समकोण हो सकता है या अधिक हो कोण हो सकता है। समझा गया? क्योंकि ये 90 अंश हो गया, बाकी 90 अंश जो बचा, अब 180 में 90 में 90 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा ना, तो बाकी जो बचे वो कोण आपस में हो जाएंगे, तो 90 कहाँ होंगे? यानी ये मान लो 30 हो गया, ये 60 रह गया, तो न्यून कोण बन गए ना। तो एक ही त्रिभुज जो होता है, इतने समकोण त्रिभुज में एक ही कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही हम अधिक कोण त्रिभुज देखेंगे, जिसका एक ही कोण, कौन सा कोण? एक ही कोण जो होगा वो अधिक कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिक कोण, ए बी सी। और अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से जो बड़ा होता है, और 120 से क्या होता है? छोटा होता है। ये सभी को पता है, 180 से, 120 से नहीं, सॉरी 180 से। तो
तो मान लो 120 अंश हो गया है कोण, ये अधिक कोण, समझ में गया। 90 से बड़ा हो और 180 से कम हो, समझ में आ गया, तो हमारा क्या होता है, अधिक कोण होता है। अब अधिक कोण त्रिभुज में क्या कहेंगे हम, कि जिस त्रिभुज का एक कोण, कितना कोण, एक कोण, सिर्फ एक ही कोण क्या हो, अधिक कोण हो, एक ही कोण हमारा क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए, तो हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब एक कोण ही अधिक कोण होगा, दो नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों कोणों का ही योग जो होता है 180 अंश के बराबर हो जाता है। दो कोण अगर अधिक कोण कह दें तो मान लो 120 ये है, 120 ये, 240 हो जाएगा, समझा रहा है। तो ये चीज़ जो है नोट करके लिख लीजिए कि एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण या एक ही समकोण हो सकते होते हैं, समझा गया, अधिक कोण समझ गए, जिसका एक कोण जो होगा अधिक कोण होगा उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, समझे। तो ये इस टाइप से था, कुछ बेसिक चीज़ें थी त्रिभुज पे, तो हम यहाँ पे आज डिस्कस हुई है, तो इसको आप सभी लोग नोट कीजिए। और इसके बाद में इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, इसके आगे की एक्सरसाइज जो है 6D है, उस पे आपके क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज दिया होगा, ये मान लो एक त्रिभुज दिया है। अच्छा, त्रिभुज के बारे में और भी जो चीज़ें हैं वो आगे हम बताएंगे, आगे जितना है बस उतना ही इस समय बता रहे हैं, इसके आगे और भी बताएंगे कि भाई इस कोण भी होता है, इसमें क्या होता है। और एक त्रिभुज अभी पहले जो इसके पहले एक वीडियो में हमने बताया था बहिष्कोण के बारे में, वो भी आएगा चैप्टर तो बताएंगे। तो देखिए इस वाले चैप्टर में बस इतना ही है कि अगर कोई त्रिभुज होगा तो त्रिभुज में तो सबसे पहले आपको पता है कि तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। तो इसमें मान लीजिए दो कोण दिए होंगे, कितने दिए होंगे, दो कोण दिए होंगे, तो तीसरा कोण अपने आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं, सभी बच्चे निकाल सकते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए अनुपात दिया होगा, अनुपात होगा तो अनुपात में होगा, तो उसको मान ले 2, 3, 5 अनुपात दिया है, तो इसको हम 2x मान लेंगे, 3x मान लेंगे, 5x मान लेंगे, और 180 अंश के बराबर करके x की वैल्यू जो आएगी फिर यहाँ रख के हम वो कोण निकाल लेंगे, समझा गया। फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे कि दो कोणों का योगफल जो हो गया, मान लीजिए 50 है और दो, और बाद के दो कोणों का योगफल 30 है, तो सभी कोण निकालो, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो माला कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो होंगे सिर्फ इस पे ही लगेंगे, ये चीज़ याद रहेंगे, तीनों कोणों का जो योगफल होगा वो हमारा कितना होता है, 180 अंश। तो इस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप सभी लोग लगाएंगे 6D में, देखिए कितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, और जो क्वेश्चन ना लगे वो बताना, मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। और इसको सभी बच्चे जो है नोट कीजिए, और जहाँ पे कोई समस्या है उसको बताइए, कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन सर नहीं लग रहा है, आपका बता दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, समझ में आ गया। और जितना भी होमवर्क बताया जाता है, जितना भी एचवर्क होता है आपका, वो एचवर्क कीजिए और उसको ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू।